हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की साइंस बुक बी अ साइंटिस्ट का चैप्टर नंबर 2 अडाप्टेशंस इन प्लांट। स्टूडेंट्स, अडाप्टेशन का मीनिंग क्या होता है? अडाप्टेशन का मीनिंग होता है एडजस्ट करना, किसी एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने को ही अडाप्टेशन कहते हैं। कि किसी एनवायरनमेंट में हम वहाँ पर गए, वहाँ पर सर्वाइव किया, ग्रो किया और ख़ुद को एडजस्ट कर लिया, इसी को ही हम अडाप्टेशन बोलते हैं। आइए इस चैप्टर में आगे चलते हैं और पढ़ते हैं किस तरह से कोई भी प्लांट अलग अलग एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करता है। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। सम प्लांट्स ग्रो ऑन द लैंड, सम ग्रो इन वाटर, सम फ्लोट ऑन वाटर, सम लिव इन डेजर्ट, सम आर फाउंड ऑन माउंटेंस, वाइल सम हैव द एबिलिटी टू ग्रो इन कोल्ड रीजन्स। अब जो प्लांट्स हैं वो ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं अर्थ पर। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ज़मीन पर उगते हैं, कुछ उगते हैं पानी में, कुछ पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो डेजर्ट में पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स जो हैं माउंटेंस में यानी पहाड़ों में उगते हैं, और इसके अलावा कुछ प्लांट्स में एबिलिटी होती है यानी क्षमता होती है ठंडे इलाकों में ग्रो करने की। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज़ नोन एज इट्स हैबिटैट। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उस जगह को हम हैबिटैट कहते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म कोई प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, ये सभी ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। तो कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पर कोई एक पर्सन या एनिमल या ट्री या प्लांट, कोई भी ऐसी चीज़ जो रहती है उस जगह को हम हैबिटेट कहते हैं। जैसे हम लोगों के लिए हमारा हैबिटेट हमारा घर हो गया, वैसे ही प्लांट्स जहाँ पर, अगर मेरे घर में आम का पेड़ है वो गार्डन में लगा हुआ है, तो मेरे घर के आम के पेड़ का जो हैबिटेट है वो गार्डन कहलाएगा, है ना। तो जो रहने वाली जगह होती है उसी को हम हैबिटेट कह देते हैं। द मेन फैक्टर्स विच डिसाइड द हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स आर, क्या मेन फैक्टर्स हैं जो प्लांट के घर को यानी हैबिटेट को डिसाइड करते हैं? कि टाइप ऑफ सॉइल, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड, कि उस जगह की जो सॉइल है वो किस तरह की है। अच्छी सॉइल होगी तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। फिर सॉइल में भी बहुत अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, उनके नाम होते हैं एलिवियल सॉइल, ल्यूमिनस सॉइल, और बहुत अलग अलग तरह के सॉइल्स होते हैं। पर फिलहाल हमें इतना जानना है कि किस तरह की सॉइल में किस तरह का प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है। फिर उसके अलावा कितनी उस जगह पर रेनफॉल होती है, कम बारिश होती है या ज़्यादा बारिश होती है या नॉर्मल एवरेज बारिश होती है। इसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसी जगह पर ज़्यादा गर्मी है या ज़्यादा ठंडी है, तो इस तरह का टेम्परेचर पर भी किसी भी प्लांट की जो सर्वाइवल होता है, ग्रोथ होता है, वो डिपेंड करता है। एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, कि कोई भी प्लांट कितने ऊंचाई पर या कितने प्लेन एरिया में पाया जा रहा है। प्लेन एरिया का मतलब हो गया जैसे ये पेड़ कहाँ पर प्लेन एरिया में लगा हुआ है ना, तो ऐसे समतल इलाकों को हम प्लेन्स बोलते हैं, पहाड़ी इलाकों को हम माउंटेन बोलते हैं। तो कितनी हाइट पर, माउंटेन यानी ऊंचाई हो गया तो वहाँ पर एल्टीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, प्लेन सरफेस पर एल्टीट्यूड ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिसाइड होता है कि किस तरह का प्लांट किस एरिया में पाया जाएगा। प्लांट्स डेवलप स्पेशल फीचर्स विच हेल्प देम टू सर्वाइव, ग्रो एंड एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स, एंड दीज आर टर्म्ड एज अडाप्टेशंस। अच्छा, जो कोई भी प्लांट जो होता है कहीं पर अगर लग जाता है तो वहाँ पर लगने के बाद उसमें स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं जिसकी मदद से वो प्लांट उस जगह पर सर्वाइव कर पाता है, ज़िंदा रह पाता है, फिर बढ़ता भी है और उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेता है खुद को, और इन्हीं सब चीज़ों को हम अडाप्टेशन बोल रहे हैं। जैसे हम एज अ ह्यूमन बीइंग भी, अगर मैं ठंडे इलाके में रहती होती है ना, मुझे तो होता क्या कि मैं ठंड से अडाप्ट कर लेती, मैं वहाँ पर जीना सीख जाती, वहीं पर ग्रो करती है ना, और मेरे लिए ठंडा इलाका ही मेरा हैबिटेट होता, तो यानी कि मैंने उस ठंडे एरिया में रहना सीख लिया, उसी को मैं अडाप्टेशन बोलूँगी। ऐसे ही कुछ लोग होंगे जो सी ओशन के पास रहते होंगे, जिनके घर पानी के पास होंगे, तो उन लोगों को उस एरिया में रहने की आदत होगी। तो यही जो हम जिस जगह पर हम लोग रह पाते हैं और ग्रो कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, उन सब जगहों को, उन सब चीज़ों को हम अडाप्टेशन बोलते हैं, एडजस्ट करना बोलते हैं। दस प्लांट्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बिकॉज दे लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, और इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि वो अलग अलग सराउंडिंग्स में उगते हैं। अडाप्टेशन इन प्लांट्स, अब अडाप्टेशंस क्या हैं, क्या क्या हैं प्लांट्स के, ये पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। अब प्लांट के हैबिटेट यानी होम के अकॉर्डिंग प्लांट जो हैं दो तरह के होते हैं,
कैसे कैसे टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वेटिक होते हैं। आइए टेरेस्ट्रियल को जानते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो प्लांट्स ज़मीन पर उगते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। दीज इंक्लूड्स प्लांट विच ग्रो इन प्लेन्स, हिल्स, कोस्टल एरियाज, डेजर्ट, मार्शी एरियाज, ग्रास लैंड और रेन फॉरेस्ट। देयर आर मैनी काइंड ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड सॉयल। जो प्लांट्स हैं, किस तरह के प्लांट्स होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो कि प्लेन्स यानी समतल सेम लेवल वाली ज़मीन पर उगेंगे या फिर हिल एरियाज़ में। कोस्टल एरियाज़, कोस्टल एरियाज़ क्या होते हैं? कोस्टल एरियाज़ होते हैं जो पानी के पास होते हैं, जैसे सी के पास, ओशन के पास, रिवर के पास। इस तरह के एरियाज़ को हम कोस्टल एरियाज़ कहते हैं, जहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है। डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान, मार्शी एरियाज़ जहाँ पर बारिश होती है और वहाँ पर जो ज़मीन होती है वो गीली रहती है। ग्रास लैंड यानी कि घास वाले मैदान हो गए। इसके अलावा रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर बारिश बहुत होती है, ऐसे फॉरेस्ट को हम रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। देर आर मैनी काइंड ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड सॉइल। और इसी तरह से बहुत अलग अलग तरह के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, क्योंकि उन हर एक जगह पर अलग क्लाइमेट होता है और अलग तरीके की सॉइल होती है। प्लांट्स इन प्लेन्स, अब हम जानेंगे कि प्लांट्स किस तरह के प्लांट्स जो हैं वो प्लेन्स में उगते हैं। प्लांट्स इन प्लेन्स, द क्लाइमेट इन प्लेन इज हॉट एंड ड्राई इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। अब जो क्लाइमेट होता है प्लेन एरियाज़ में वो बहुत गर्मी वाला होता है और सूखा होता है, सूखी गर्मी पड़ती है समर्स में और ठंडा होता है विंटर्स में। द ट्रीज़ हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस, और जो पेड़ होते हैं ऐसी जगहों पर उनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पत्तों भरा और ब्रांचेस भरा पेड़ होता है। दे कैन बियर द हीट ऑफ द समर, ये जो प्लांट्स होते हैं ये गर्मियों की हीट को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, एंड द कोल्ड ऑफ विंटर मंथ्स, और जो ठंडी वाला मौसम होता है उसमें भी ये ठंड को बर्दाश्त कर पाते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन ऑटम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी जो पत्तियाँ होती हैं उसको झड़ जाने देते हैं ऑटम के महीने में, यानी पतझड़ में अपनी जो लीव्स होती हैं ऐसे प्लांट्स शेड कर देते हैं, यानी झड़ जाने देते हैं खुद को ठंड से बचाने के लिए। दीज ट्रीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड डेसीडियस ट्रीज़, और इस तरह के पेड़ों को हम डेसीडियस ट्रीज़ बोलते हैं। ठीक है, कैसे ट्रीज़ बोलते हैं? डेसीडियस ट्रीज़ बोलते हैं। शीशम, बनियन, पीपल एंड मैंगो आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स इन प्लेन्स, और ये जो शीशम का पेड़ हो गया, बनियन यानी बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, इसके अलावा आम का पेड़ जो हैं कुछ एग्जांपल्स हैं प्लेन एरियाज़ में प्लांट्स पाए जाने वाले। ठीक है, बैम्बू इज़ नॉट अ ट्री बट इट इज़ अ ग्रास, इट फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। बैम्बू जो है, ठीक है, बैम्बू एक ट्री नहीं है, ये एक घास है। ठीक है, और ये जो है जीवन भर में अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही फ्लावर्स देता है। प्लांट्स इन हिली एरियाज़, अब हिली एरियाज़ में किस तरह के पेड़ होते हैं? इन कोल्ड एरियाज़ द ट्रीज़ आर वेरी टॉल एंड स्ट्रेट, जो ठंड वाले इलाके होते हैं जैसे पहाड़, वहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। जैसे ये पेड़ देख रहे हैं आप लोग, कितने लंबे लंबे हैं और एकदम सीधे हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव नीडल लाइक लीव्स, और बहुत इनमें से ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं इनके जो पत्ते होते हैं वो नीडल यानी सुई की तरह होते हैं। एंड बियर कोन इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, और इनमें जो है कोन्स निकलते हैं फ्लावर्स की जगह पर। ठीक है, जैसे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं जिसमें फ्लावर्स निकलते हैं, तो इनमें जो है कोन्स निकलते हैं। आप इन ट्रीज़ को ऐसे समझिए कि ये हमारा ट्री है, और इस तरह के स्ट्रेट ट्रीज़ पाए जाएंगे और इनमें फ्लावर ना निकल करके इसमें निकलेंगे कोनिकल, ऐसे कोन शेप के इसमें वो निकलते हैं। आप लोग जो पहाड़ों में गए होंगे उन लोगों ने इस तरह के कोन्स भी गिरते हुए इकट्ठे करते हुए देखे होंगे, जिसमें ऐसे फ्लावर शेप बनी रहती है इस तरह से। तो इस तरह के ये प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रीज़ होते हैं ये कोनिकल शेप के होते हैं, और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत नुकीली होती हैं, यानी इनकी पत्तियाँ ऐसे एकदम पतली पतली होंगी। ठीक है, बहुत सारी बहुत छोटी छोटी भी होंगी तो वो भी इस तरह की शेप्स की होंगी। आइए आगे चलते हैं।
पाइन ट्रीज़ आर कोनिकल इन शेप, जो पाइन के ट्रीज़ होते हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं। मैंने आपको भी बताया ही कि कोन शेप के ट्रीज़ कैसे दिखेंगे, कोन शेप के ट्रीज़ कुछ ऐसे दिखेंगे जैसे आप अपने घर में क्रिसमस ट्री लगाते हैं, यही हमारा कोन शेप हो गया, ठीक है। कोन शेप के ट्रीज़ ऐसे दिखेंगे। दिस हेल्प्स वाटर एंड स्नो टू स्लाइड डाउन ईजिली एंड नॉट बीक द ब्रांचेस विद देयर लीव्स। देवदार, स्प्रूस एंड फिर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज इन हिली एरियाज। तो ये जो पेड़ होते हैं वो कोनिकल इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें आसानी से जो स्नो होती है वो नीचे गिर जाती है, ठीक है, और इनकी जो ब्रांचेस भी होती हैं उनमें कोई बीक नहीं होती है, ठीक है, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो टूटती भी नहीं है। यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं, जो पाइन ट्रीज़ होते हैं, ये कोनिकल शेप के होंगे, इनमें आसानी से कोन शेप की वजह से इनमें आसानी से जो स्नो होती है वो फिसल जाती है और इनकी जो टहनियाँ होती हैं वो टूटती नहीं हैं, ठीक है। इसमें देवदार, स्प्रूज और फिर के जो ट्रीज़ होते हैं वो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हिली एरियाज़ में, ठीक है। तो आपको ये जो ट्रीज़ के नाम हैं ये आपको याद करके रखने पड़ेंगे कि हिली एरियाज़ में पाइन ट्री पाया जाएगा, देवदार, स्प्रूज, फिर ये कुछ एग्जांपल्स हैं हिली एरियाज़ के ट्रीज़ के। आइए अब बात करते हैं प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ यानी कि ऐसे एरियाज़ जो पानी के नज़दीक हैं उन्हें हम कोस्टल एरियाज़ पढ़ेंगे बोलेंगे। द एरिया नियर द सी हैविंग हाई रेनफॉल इज कॉल्ड कोस्टल एरिया। तो जो भी एरियाज़ जो नदी के पास में हैं और वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, ऐसे एरियाज़ को हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। इन दिस एरिया वाटर इज सॉल्टी एंड क्लाइमेट इज़ यूजुअली ह्यूमिड। ऐसे एरियाज़ में जो पानी होता है वो अक्सर खारा होता है, ठीक है। तो जो भी पानी, जो ओशन का पानी, सी का पानी होगा वो नमकीन होगा, यानी कि उसमें सॉल्ट कंटेंट होगा, ठीक है, वो पीने लायक पानी नहीं होता है। और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड का मतलब हो गया उमस वाला, जिसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं और अब हमारी जो स्किन होती है उसमें चिपचिपा लगता है। जैसे जब हम लोग के यहाँ पे नॉर्मली भी जब बारिश हो जाती है और उसके बाद धूप निकलती है तो चिपचिपी गर्मी होती है, तो इसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिड होता है ऐसा क्लाइमेट। सम प्लांट्स लाइक कोकोनट एंड टी ट्रीज़ ग्रो इन दिस एरिया। कुछ जैसे कोकोनट हो गया, टीक का पेड़ हो गया, ये सभी कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं। दे आर नोन एज एवरग्रीन ट्रीज़ एज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स। अब ऐसे ट्रीज़ को हम एवरग्रीन ट्रीज़ बोलते हैं क्योंकि इनकी पत्तियाँ कभी भी नहीं झड़ती हैं। तो जिन पेड़ों की पत्तियाँ कभी नहीं झड़ती उनको हम बोलते हैं एवरग्रीन ट्रीज़, और जिन पेड़ों की पत्तियाँ ऑटम के सीज़न में झड़ती हैं उनको हम बोलते हैं डेसीडियस ट्रीज़। ओके, डेसीडियस हमने ऊपर पढ़ा था कि जो प्लांट्स अपने लीव्स को ऑटम के महीने में शेड करते हैं उनको हम डेसीडियस बोलते हैं, और जिन प्लांट्स की पत्तियां कभी नहीं झड़ती हैं उनको हम एवरग्रीन ट्रीज़ बोलेंगे, ठीक है। रबर एंड पेपर आर सम ऑल्सो ग्रो इन सच क्लाइमेट। इसके अलावा जो रबर, जो गोंद का पेड़ हो गया, और जो पेपर का पेड़ हो गया यानी काली मिर्च का पेड़ हो गया, वो भी यहाँ पर ऐसे क्लाइमेट में उग जाता है। ये देख रहे होंगे आप, टीक के पेड़ हो गए और ये कोकोनट ट्री हो गया। प्लांट्स इन डेजर्ट। इन डेजर्ट्स द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई। जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो बहुत गर्म होता है और सूखी गर्मी होती है। रेनफॉल इज स्कैंटी। स्कैंटी का मीनिंग होता है बहुत कम होना, ठीक है। तो रेगिस्तान में बारिश ना के बराबर होती है। टेम्परेचर इज़ हाई एंड सो वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो देयर। अब यहाँ पर जब बारिश भी नहीं होती है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है यानी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। इन दीज प्लांट्स द लीव्स आर मॉडिफाइड इन टू स्पाइंस टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। अब इस तरह के प्लांट्स में स्पाइंस होते हैं। स्पाइंस यानी कि इस तरह के ये नुकीले हिस्से निकले होते हैं, जैसे कैक्टस में निकले होते हैं, ठीक है। इनमें स्पाइंस होती हैं और ये इसलिए निकली होती हैं जिससे कि पानी जो है ज़्यादा इवेपोरेट ना हो। द स्टेम्स आर ग्रीन एंड फ्लैशी एंड डू द फंक्शन ऑफ लीव्स। अब जो स्टेम्स होती हैं, ये जो स्टेम्स होती हैं ये बहुत
फ्लैशी यानी हरी होती हैं और मोटी होती हैं, और यही जो स्टेम्स होती हैं यही लीफ का काम करती हैं। इट ऑल्सो स्टोर्स फूड एंड वाटर, और यही स्टेम्स जो होती हैं फूड और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। कैक्टस एंड डेट पाम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। अब जो कैक्टस हो गया और डेट पाम हो गया वो हमारा डेजर्ट के प्लांट्स का कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। आपको ये प्लांट्स के जो ट्रीज़ के नेम है आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। प्लांट्स इन मार्शी एरियाज़, अब किस तरह के प्लांट्स होते हैं मार्शी एरियाज़ में। इन मार्शी एरियाज़ द सॉइल इज़ क्ले विद अ लॉट ऑफ वाटर इन इट। मार्शी एरियाज़ में जो सॉइल होती है वो बहुत क्ले जैसी होती है। क्ले का मतलब हो गया जिसमें वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वाटर जो है ऊपर ऊपर तैरता रहता है, ऐसी सॉइल को क्ले सॉइल बोलते हैं, ठीक है। और इस सॉइल में पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। There is very little air between the soil particles. जो soil के particles होते हैं उसके बीच में बहुत कम air होती है। The plants growing in these areas have roots that grow above the soil to breathe in air. अभी जो इन ये जो plants होते हैं इनके जो जो roots होते हैं जो जड़ होती है वो soil के ऊपर दिखती है, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि soil के नीचे तो पानी जा नहीं पा रहा है, क्योंकि पोर्स ही नहीं है। पोर्स माने एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे हम मिट्टी में पानी डालते हैं कैसे पानी अंदर चला जाता है, पर किसी किसी एरिया में पानी डालो और पानी ऊपर ही रह जाता है। तो ऐसी सॉइल जो होती है क्लेई सॉइल होती है, तो वहाँ पर जब जो हमारी मिट्टी होगी उसको एयर मिलेगी नहीं, जब एयर नहीं मिलेगी तो प्लांट ब्रीथ कैसे करेगा। तो इस वजह से जो भी हमारी रूट्स होती हैं वो पानी के वो सॉइल के ऊपर होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो हवा को ब्रीथ कर सकें। सम रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स एज इन मैनग्रूव्स। अब मैनग्रूव्स जो हैं फॉरेस्ट होते हैं, तो ऐसे फॉरेस्ट में जो रूट्स होती हैं वो ब्रीदिंग रूट्स कहलाती हैं, ठीक है। प्लांट्स इन ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स रिसीव वेरी लेस रेनफॉल। जो ग्रासलैंड्स होते हैं जो घास से भरे हुए मैदान होते हैं, ऐसी जगहों पर बहुत कम रेनफॉल होती है। द प्लांट्स आर अडेप्टेड टू डेवलप डीप रूट्स इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डीप इन दिस सॉइल। अब यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, इसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है, तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी हो जाती हैं, ठीक है। तो रूट्स को क्या चाहिए, रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं पानी, और पानी कहाँ पर, पानी तो ऊपर है नहीं, तो पानी बहुत गहराई में पाया जाएगा, ऐसी जगहों पर बहुत अंदर होगा, तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत गहरी होती जाती हैं जिससे वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाती हैं। लार्ज एरियाज़ ऑफ ग्रास लैंड्स आर कवर्ड विद ग्रास एंड वाइल्ड फ्लावर्स। और इस ऐसे एरियाज़ में जो बड़े बड़े जो ग्रास लैंड्स होते हैं वो ज़्यादातर घास और जंगली पेड़ मतलब फ्लावर्स से भरे हुए होते हैं, जैसे ये फॉक्सटेल हो गया, इसके अलावा ये रे ग्रास हो गई। फॉक्सटेल एंड रे ग्रास आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रास लैंड प्लांट्स, ठीक है। तो फॉक्सटेल और रे ग्रास जो है एग्जाम्पल्स हैं ग्रास लैंड प्लांट्स के। प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल। जो रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दे आर ऑल्सो नोन एज हॉट एंड वेट फॉरेस्ट, और ऐसे फॉरेस्ट को हम हॉट और गीला फॉरेस्ट बोलते हैं। टॉल ट्रीज आर एवरग्रीन, जो लंबे पेड़ होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, यानी इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कभी भी नहीं झड़ती हैं। एंड हैव थिक क्राउन, और इनके जो क्राउन यानी कि जो जो क्राउन क्या होता है, क्राउन होता है किसी भी पेड़ का ये, जैसे आप ऐसे समझिए कि ये जो मैं एरिया बना रही हूँ इसी एरिया को हम क्राउन बोल रहे हैं। तो इनका जो क्राउन होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत थिक होता है, ठीक है। सम शॉर्ट ट्रीज एंड क्लाइंबर्स ऑल्सो ग्रो इन दीज रेन फॉरेस्ट। तो जो छोटे पेड़ होते हैं और जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स कौन होते हैं, जो दूसरे पेड़ों पर सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, वो भी रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। पाम एंड ऑर्चिड्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट। और जो पाम और ऑर्चिड्स हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रेन फॉरेस्ट के, प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं। Aquatic plants, the plants which grow in water are called aquatic plants. अब ऐसे plants जो पानी में उगते हैं इनको aquatic plants बोलते हैं। There are three types of aquatic plants. अब तीन तरह के aquatic plants हैं, जो कि एक सबसे पहले floating, fixed and submerged plants। कुछ जो तैर रहे होते हैं
कुछ जो अंदर जाकर फिक्स हो जाते हैं, यानी कि जहाँ पर भी उनको सॉइल मिलती है वहाँ पर वो फिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ समर्ज होते हैं जो पानी में डूबे हुए होते हैं प्लांट्स। आइए फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। दीज प्लांट्स आर लाइट एंड स्पंजी सो दे कैन फ्लोट ऑन वाटर। कुछ जो ऐसे प्लांट्स जो बहुत हल्के होते हैं और बहुत स्पंजी, यानी जिनको दबाया जा सकता है, ठीक है, जिनमें एयर फिल हो सकती है, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो पानी में आराम से फ्लोट कर पाते हैं। दीज प्लांट्स फ्लोट फ्रीली इन वाटर सो दे डू नॉट हैव रूट्स। ऐसे प्लांट्स क्योंकि ये आसानी से पानी में फ्लोट कर सकते हैं और इसीलिए ऐसे प्लांट्स में कोई भी जड़ें नहीं होती हैं। दे मूव विद द फ्लो ऑफ वाटर। और ये जो प्लांट्स होते हैं जैसे जैसे पानी फ्लो करता है वैसे वैसे ये खुद भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। दीज प्लांट्स प्रोटेक्ट द एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन रेज। और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं एक्वेटिक जानवरों को, जैसे फिश हो गए, जो अंडर वाटर जो जानवर होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं सूरज की तेज़ किरणों से, ठीक है। स्मॉल ग्रीन एल्गी, डकवीड, पिस्तिया एंड वाटर हाइसिंथ आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। अब ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या हैं, एल्गी यानी जो हरी रंग की काई जमी हुई होती है पानी के ऊपर, ठीक है, एल्गी बोलते हैं उसको, डकवीड हो गया, ठीक है, पिस्तिया हो गया और वाटर सिंथिया हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्लोटिंग वाटर के। जैसे आप देख सकते हैं पिस्तिया ऐसा दिखता है, डकवीड कुछ इस तरह की दिखती है। अब आते हैं फिक्स्ड प्लांट्स पर। फिक्स्ड प्लांट्स किस तरह के होते हैं? सम प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द बेड ऑफ द पॉन्ड। कुछ प्लांट्स जो होते हैं, जो पॉन्ड होता है, जो झील होती है, उसके जो बेड होता है जहाँ पर ज़मीन होती है वहाँ पर वो फिक्स हो जाते हैं। दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टेम्स। ऐसे प्लांट्स की बहुत लंबी लंबी स्टेम्स होती हैं, टहनियाँ होती हैं, विच आर हॉलो एंड लाइट, जो कि अंदर से खोखली होती हैं। हॉलो का मतलब हो गया अंदर से खाली होती हैं, बहुत हल्की होती हैं। लीव्स आर जनरली ब्रॉड एंड हैव अ वैक्सी कोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स टू प्रिवेंट रॉटिंग। इन ऐसे प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो जनरली चौड़ी होती हैं, जैसे लोटस की कितनी चौड़ी चौड़ी लीव्स हैं, वाटर लिली की कितनी चौड़ी चौड़ी लीव्स हैं, और इनकी जो लीव्स होती हैं वो वैक्सी, जैसे ऊपर से कैंडल का नहीं वैक्स होता है चिकना चिकना, तो वैसी कोटिंग होती है इनमें, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो पानी में रह कर भी वो सड़ते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द लीव्स। और जो स्टोमेटा है वो सरफेस, जो लीफ का जो सरफेस है उसके ऊपरी हिस्से में होता है, ठीक है। हमने वैसे जो स्टोमेटा होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो अंडर द सरफेस प्रेजेंट होता है, बट इन प्लांट्स में वो अपर सरफेस में प्रेजेंट होता है। लोटस एंड वाटर लिली आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिक्स प्लांट्स। तो लोटस और वाटर लिली जो हैं कुछ एग्जांपल्स हैं फिक्स प्लांट्स के। सबमर्ज्ड अंडरग्राउंड वाटर, सबमर्ज जो पानी में डूबे हुए हैं। सम प्लांट्स ग्रो बिलो द वाटर सर्फेस, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पानी के अंदर पाए जाते हैं। देयर नैरो लीव्स हैव नो स्टोमेटा एट ऑल, इनकी पत्तियाँ नैरो होती हैं और इनमें स्टोमेटा बिल्कुल भी नहीं होता है। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सर्फेस, इनके जो सर्फेस होता है उस पर होल्स होते हैं, उसकी मदद से ये ब्रीथ करते हैं। दे एब्जॉर्ब द डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, पानी में जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी से ही ये लोग फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बना पाते हैं। एंड गिव आउट ऑक्सीजन फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए। That is why we can use such plants in aquarium, और इसीलिए इस तरह के जो plants होते हैं, जो fish aquariums होते हैं, जो मछली में, मछली को जिन boxes में रखा जाता है उनके अंदर इन plants को रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये plants क्या करते हैं, water में present carbon dioxide को absorb करते हैं, ठीक है, और खुद का खाना बनाते हैं, और इसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, और यही जो ऑक्सीजन होती है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, उस ऑक्सीजन को इनहेल कर पाते हैं। और वो डायरेक्टली इनहेल नहीं करते हैं, वो जो ऑक्सीजन होती है फिर से पानी में जाके मिल जाती है और पानी की मदद से वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स इनहेल ऑक्सीजन विच इज़ डिसॉल्व्ड इन वाटर, ओके। That is why we can use such plants in aquarium, और इसीलिए हम ऐसे plants को aquarium में use कर पाते हैं, जैसे कि hydrilla and tape grass are some examples of submerged water, जैसे hydrilla और tape grass। hydrilla और tape grass किस तरह से दिखती है, कुछ इस तरह की दिखती है, ठीक है।
अमेजिंग फैक्ट, एन एक्वेटिक प्लांट हैविंग द बिगेस्ट लीफ इज ऑफ विक्टोरिया अमेजोनिका। ये आपको लीव्स दिख रही हैं, फ़ोटो तो ज़्यादा क्लियर नहीं है, पर आप सब लोग अपनी अपनी बुक्स में इस फ़ोटो को बहुत अच्छे से क्लियरली देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी जिसकी लीफ होती है एक्वेटिक प्लांट की, वो है विक्टोरिया अमेजोनिका। प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली, अब प्लांट्स जो ग्रास फैमिली, जिन जो घास वाली फैमिली होती है, उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रासेस होल्ड द सॉइल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। जो घास होती है वो मिट्टी को बहुत अच्छे से पकड़ के रखती है, जिससे वो पानी का बहाव आए तो वो बह ना जाए। ठीक है, जैसे सीरियल प्लांट्स बिलोंग टू द ग्रास फैमिली। सीरियल प्लांट्स कौन से हो गए, जो अनाज वाले प्लांट्स होते हैं, वो सब ग्रास फैमिली में आते हैं। दे प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। और सीरियल प्लांट्स क्या देते हैं, सभी को फूड प्रोवाइड करते हैं, खाना, जैसे कि वीट, राइस, है ना, मेज़ यानी मक्का, बैम्बू, तो ये सब प्रोवाइड करते हैं सीरियल प्लांट्स। और ये इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, वीट, राइस, ज्वार, मेज़ एंड बैम्बू आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली। बैम्बू प्लांट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रूम्स। जो बैम्बू प्लांट है उसका कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, ब्रूम माने झाड़ू बनाने के लिए काम में आती है, बास्केट यानी टोकरियाँ, मैट यानी चटाई, हट्स यानी जो हट होती हैं उनको बनाने में काम आती है, उसके अलावा चेयर्स भी, बैम्बू से चेयर्स भी बनती हैं। सम अनयूजुअल प्लांट्स, अब कुछ अजीबोगरीब प्लांट्स के बारे में जानते हैं। सम प्लांट्स कॉइल अराउंड दी अदर प्लांट्स एंड सक द फूड एंड वाटर फ्रॉम देम, दैट इज़ होस्ट प्लांट्स। अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरे प्लांट्स को जकड़ लेते हैं, और जो दूसरे प्लांट से जो खाना बना रहे हैं उनका खाना ये प्लांट्स जो होते हैं सक कर लेते हैं। ठीक है, होस्ट प्लांट कौन है, जो जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उन लोगों को चाय पानी पिला रहे होते हैं, तो हम होस्ट हो गए। तो जो खाना खिला रहा है वो होस्ट प्लांट है, यानी कि जो प्लांट गोल गोल घूम के दूसरे प्लांट के ऊपर बैठ जा रहा है, उसका खाना खा रहा है, वो तो हो गया प्लांट, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। और जो पैरासाइट प्लांट्स होते हैं वो होस्ट प्लांट का खाना खाते हैं। ठीक है, सच प्लांट्स आर नोन एज पैरासाइट्स। तो पैरासाइट प्लांट्स होस्ट प्लांट के चारों तरफ कॉइल जैसा बना लेते हैं। कॉइल कैसा रहेगा, जैसे ऐसा, जैसे कोई एक प्लांट है और कोई पैरासाइट प्लांट है, वो ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूम जाएगा, कॉइल कर लेगा, और फिर इस प्लांट में मौजूद जो खाना होगा उसको वो खाएगा। ठीक है, तो इसमें जो खाना खा रहा है वो पैरासाइट है, और जहाँ खाना खिला रहा है वो होस्ट प्लांट है। डॉडर एंड कसकटा आर सम एग्जांपल्स ऑफ अनयूजुअल प्लांट्स। डॉडर, ये डॉडर हो गया, और कसकटा जो प्लांट्स होते हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे अनयूजुअल प्लांट्स के, जो पैरासाइट के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, सम प्लांट्स ट्रैप द इंसेक्ट एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर बॉडीज एंड आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो जो इंसेक्ट होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं। कैसे ट्रैप कर लेते हैं, आप ये देख रहे हैं प्लांट, ठीक है, ये जो प्लांट है ये नॉर्मली बंद रहता है, ये ऐसे ना ऐसे करके बंद रहता है, ठीक है, इस तरह से बंद रहता है, पर जब इसको कोई इंसेक्ट को खाना होता है तो क्या करता है, ये अपना मुँह खोल देता है। ठीक है, इस तरह से इसका मुंह जो है वो खुल जाता है, उसके बाद जो भी इंसेक्ट इसमें आता है वो अंदर घुस जाता है, और फिर ये वाला जो फ्लैप होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो जो इंसेक्ट होता है वो अंदर ही रह जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट होता है ये इंसेक्ट को खा जाता है, और जो इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, और ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ दीज प्लांट्स आर वेनस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप ये वाला प्लांट है। वेन एवर एन इंसेक्ट कम्स एंड लैंड्स ऑन द लीव्स, दे स्नैप शट अराउंड द इंसेक्ट एंड ट्रैप इट। जब भी कोई भी जानवर, इंसेक्ट जो होता है वो इसके ऊपर आके बैठता है, तो ये अपना जो दोनों जो फ्लैप है उसको बंद कर लेता है। ठीक है, और जो इंसेक्ट है वो अंदर ट्रैप हो जाता है, यानी कि अंदर जाल में फंस जाता है, और वो फिर ये जो प्लांट होता है उसको खा जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को। पिचर प्लांट, लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर ऑफ पिचर शेप्ड लाइक अ लिड।
द लीव्स आर ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट लीव्स व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द माउथ ऑफ अ पिक्चर शेडेड लीव इट्स लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड इट। अब ये पिक्चर प्लांट है, पिक्चर प्लांट के अंदर देखना है कैसे ये मटके जैसी शेप है, मटके जैसी शेप के अंदर अगर कोई जो इंसेक्ट होता है अगर उसके अंदर चला जाता है तो ऊपर इनका मुंह जो होता है वो बंद कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें भी सेम ऐसे ही जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वैसे ही पिक्चर प्लांट भी हो गया। तो ये जो भी इंसेक्ट से जो भी जूस निकला, ठीक है, वो सब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और इसी तरह से इस तरह के प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। सनड्यू प्लांट, सनड्यू प्लांट्स कौन से होते हैं? द लीव्स हैव हेयर विच लुक लाइक लॉन्ग टेंटिकल्स। अभी जो लीव्स होती हैं ये लीव्स है, सनड्यू प्लांट की लीव्स हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े ये लंबे लंबे क्या हैं, ये हेयर हैं जिनको हम टेंटिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स। द नेक्टर प्रेजेंट ऑन द हेयर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट। अब ये जो लीव, ये जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको गोल गोल मटर के दाने जैसे, इनमें होता है नेक्टर। नेक्टर क्या? जूस होता है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। वेन एवर एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द लीफ द डेडली स्टिंकी हेयर ट्रैप्स द इंसेक्ट। जैसे ही कोई इस पर आकर के बैठता है वैसे ही जो प्लांट होता है खुद को गोल गोल घुमा लेता है और इस तरह से इस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। द स्टिंकी ड्रॉप एट द एंड ऑफ द हेयर किल्स द इंसेक्ट। और जो स्टिंकी ड्रॉप होती है वो एंड में क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है हेयर को, जो इंसेक्ट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्टूडेंट्स ये है इस चैप्टर का एंड। आई होप आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को मैं शेयर कर दूंगी आप सब लोगों के साथ, तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन से जा कर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हैं और लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सभी फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी क्वेरीज हैं आप उसको कमेंट में जा कर के ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।